हेलो एवरीवन, दिस इज़ बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आई एस पॉइंट। आई होप यू आर वेरी वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 8 पार्ट 1 सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेशन द नेशन, अर्थात देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरीके से जो अंग्रेज थे, एक तरीके से वो नया एजुकेशन सिस्टम भारत में लेकर आए थे और उन्होंने जो नेटिव थे यानी कि देसी जनता को किस तरीके से उन्होंने सभ्य बनाया था। तो देखिए, तो अब शुरू करते हैं। तो पहले के अध्यायों में जैसे कि हमने देखा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन पर किसानों, नवाबों और आदिवासियों पर किस किस तरीके के प्रभाव पड़े थे, तो वो आप लोग भली भांति जानते ही हैं। तो इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ा था। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर एक तरीके से शासन किया और पूर्ण तरीके से जब भारत पर शासन वो ईस्ट इंडिया कंपनी का चलने लगा था, तो काफ़ी ज़्यादा समाज में एक तरीके से जो समाज था वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पिछड़ गया था। तो उसमें आखिर जो विद्यार्थी थे उनके जीवन पर उस समय क्या प्रभाव पड़े थे। तो विद्यार्थियों के जीवन को समझने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज यानी कि नेटिव्स को सब यानी कि सिविलाइज्ड बनाना है, यानी कि एक तरीके से सिविलाइजिंग बनाना है। तो उन्हें रीति रिवाजों और मूल्य मूल्यांकनों को बदलना है। तो इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे, तो इसके माध्यम से हम जानेंगे। तो देखिए, तो भारतीय को शिक्षित यानी कि एजुकेटेड करना और सभ्य करना अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिशर के सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। तो अंग्रेजों के यानी कि ब्रिटिशर्स के पास इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे और इन सवालों पर और एक दशक तक बहस चली। ऑलराइट, तो यहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है। इसमें वैसे बताने की आपको कोशिश की गई कि आखिर हम चैप्टर में बात किस चीज़ के बारे में करने वाले हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा टॉपिक यानी कि देसी जनता को सभ्य किस तरीके से बनाया गया था। तो देखिए, तो अंग्रेज जो थे वो शिक्षा को किस तरीके से देखते थे। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोचते थे और शिक्षा जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरीके से विकसित हुए होंगे। तो इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार जो थे उस समय किस तरीके से विकसित हुए और भारतीयों को कैसे पढ़ाया गया उस समय। तो अब देखते हैं प्राच्यवाद की परंपरा। तो सन 1783 में यानी कि 1783 में तो विलियम्स जोन्स नाम के एक सज्जन कोलकाता आए। तो उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। तो जूनियर जज के पद पर किनको तैनात किया गया था, तो विलियम जोन्स को 1783 में। और कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। तो देखिए, तो भाषाविद का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भाषा की जानकारी और विद्यार्थी होता हो, एक तरीके से जो स्टूडेंट है और भाषाओं को जानता हो, तो उसे भाषाविद कहते हैं। तो उन्हें ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। तो ऑक्सफोर्ड आप लोग जानते होंगे, एक यूनिवर्सिटी का नाम है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो वे फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा जानते थे और उनमें एक दोस्त में अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे, यानी कि बहुत सारी अन्य भाषाओं का भी उन्हें ज्ञान था। तो कोलकाता में हुआ क्या था कि आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों के अध्ययन करने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। तो देखिए किस तरीके से, मतलब एक व्यक्ति की जो रुचि थी, रुचि ने किस तरीके से उसे विद्वान बना दिया। तो देखिए, तो इसमें वो दो भाषाओं के ऊपर तो पहले ही काम कर रहे थे, परंतु उन्होंने संस्कृत को भी समझने की कोशिश की और कुछ कम ही समय में उन्होंने संस्कृत के इतने सारे चीज़ों को सीख लिया, कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति और नैतिकता और अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का भी उन्होंने अध्ययन किया था। तो ये खुद में एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। ऑलराइट, तो अब देखिए, तो चित्र में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है। तो विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। तो देखिए, तो विलियम जोन्स जो है वो फारसी भाषा सीख रहे हैं, जो फारसी भाषा सिखाने के लिए एक आप देख ही पा रहे होंगे
ये व्यक्ति इसे फारसी भाषा सिखा रहा है, ऑलराइट। तो अब देखिए, तो जोन्स ने पाया कि उस समय कोलकाता में तैनात बहुत सारे जो अंग्रेज अफसर है उनके लिए भी जैसी दिलचस्पी रखते हैं, तो हेनरी थॉमस कोलबर्क ने नेथिनिलियन हॉल्डहेड भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृति व फारसी रचनाओं का अंग्रेज में अनुवाद किया। तो देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा आपने अगर देखा भी होगा, जो चर्चित है काफ़ी ज़्यादा, कि अंग्रेज़ों ने हमारी भगवत गीता, रामायण और काफ़ी ज़्यादा ग्रंथों और धर्म ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवादित किया है। तो किस तरीके से किया है आपको अब पता ही चल गया होगा। पहले उन्होंने संस्कृत भाषाओं को सीखा, हिंदी भाषाओं को सीखा और यहाँ के कल्चर को जीना सीखा, और जब उन्होंने सीखा देन तब उन्होंने अपनी भाषा में ही उसे ट्रांसलेटेड किया, ताकि उस चीज़ को, उस ज्ञान को वो दूर दूर तक परिभाषित कर सकें और दूर दूर तक उस चीज़ को फैला सकें। तो चलिए अब देखते हैं, तो हेनरी थॉमस तो उन्होंने हॉलैंड में भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद करते रहे और प्राचीन भारतीय विरासतों को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। तो इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। तो देखिए, तो जोन ने कौन सी सोसाइटी का गठन किया था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन उन्होंने शुरू किया था। तो जोन्स और कोलबर्क भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों ही प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर ही थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को असली विचारों व कानून को इनकी रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और उनकी रचनाओं के पूर्ण अध्ययन से ही, यानी कि स्टडी से ही, भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। तो देखिए, तो चित्र दो में पहले देख लेते हैं हेनरी थॉमस कोलबर्क, वह संस्कृत और हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। तो आप ये चित्र देख पा रहे हैं, तो अब देखिए, तो इन प्रयासों और विचारों में प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे जो अधिकारी थे उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन करके और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की संस्था जाए, और इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं को मुसलमानों को वही पढ़ाना जाना चाहिए जिससे कि वे पहले ही परिचित है, जिसे वे आदर और महत्व देते हैं, और उनके अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते थे, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा के आदर की उम्मीद कर सकते थे। तो देखिए, तो इनका मानना यह था कि जो देसी जनता है उन्हें केवल वही चीज़ पढ़ाई जाए जिससे वो परिभाषित है, एक तरीके से जिस चीज़ को वो जानते हैं, उन्हें वह चीज़ ना पढ़ाई जाए जिनसे वो एक तरीके से अनभिज्ञ है, जिनके बारे में वो कुछ जानते ही नहीं है। तो देखिए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने लगा, तो कोलकाता में मदरसा खोला गया। तो देखिए, मदरसा का अर्थ होता है सीखने का स्थान, यानी कि जहाँ पर अरबी भाषा को सिखाया जाता है उसे मदरसा कहते हैं। यहाँ किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्था हो सकता है। तो देखिए, तो चित्र तीन में क्या बताने की कोशिश की गई है, तो वॉरेन हॉस्टिंग का स्मारक है ये, रिचर्ड वेस्टमा कोर्ट, यानी कि 1830 में अब कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में। तो इस तस्वीर में पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के आधार पर प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हॉस्टिंग की भव्य प्रतिमा है, जो कि प्राच्यवादी के भारी समर्थक थे। तो इसके एक तरह पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है, और हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वान के विभिन्न भारतीय भाषा सीखने चाहते थे, और जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते थे और वर्नाकुलर का नाम देते थे। तो देखिए, तो उस समय बोलियों को क्या नाम दिया जाता था, वर्नाकुलर। तो स्थायी रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या की मदद वो चाहते थे। तो हेस्टिंग ने पहल करके कोलकाता मदरसे की स्थापना की, और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाजों और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। ऑलराइट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा।
तो 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो देखिए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। तो 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो वहाँ प्राचीन संस्कृति संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिल सके। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों को सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। तो यानी कि कुछ जो लोग थे वो इस चीज़ का समर्थन करते थे, परंतु कुछ लोग जो थे वो इस चीज़ का विरोध करते थे। ऑलराइट, तो देखिए, तो प्राच्यवादी यानी कि एशिया की भाषा और संस्कृत का ज्ञान ज्ञान रखने वाले को प्राच्यवादी कहते हैं। मुंशी किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो, उसे मुंशी कहा जाता है। और वर्नाकुलर यानी कि यह एक आम शोध पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं को साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को निहित करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्नाकुलर आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम्स में कि वर्नाकुलर जो शब्द है वो किस लिए उपयोग किया जाता है, या आपको कथन के रूप में भी ये दिया जा सकता है कि वर्नाकुलर के लिए कौन सा जो कथन है वो सत्य है। ऑलराइट, तो इसी के साथ आज का हमारे पार्ट वन खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूले। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।